सोनीपत रिफाइनरी से गैस पाइपलाइन उत्तर प्रदेश की जाने वाली गांव घसौली के साथ गांव चंदौली रकबा है। यहां यमुना नदी में गैस पाइपलाइन बुधवार को लीक हो गई है। जब गैस लीक होने के बाद प्रेशर मारने लगी तो खेत में काम करने आए किसानों ने इसकी सूचना दी, काफी गैस लीक हो रही है। तत्काल सुरक्षा कर्मी अरुण ने गैस लीक होने की सूचना आला अधिकारियों को दी। अरुण ने बताया कि यमुना नदी में गैस पाइपलाइन लीक गई है। पानीपत रिफाइनरी के कंट्रोल रूम सूचना जाने पर चेक किया तो गैस का प्रेशर कम दिखाई दिया। पानीपत से तुरंत टीम गन्नौर को गन्नौर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गांव घसौली और चांदौली के मध्य गैस लीक होने वाले स्थान के लिए रवाना किया गया। पानी के अंदर गैस पाइपलाइन लीक है, अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। घसौली चंदौली के बीच में यमुना के पानी के अंदर गैस पाइपलाइन लीक से हादसा हो गया। यमुना नदी का बहाव तेज होने के कारण गैस पाइपलाइन ठीक करने में बड़ी परेशानी आई है। बचाव के लिए अभी लाइन को पीछे से बंद किया गया है। पाइपलाइन को ठीक करने के लिए पूरी टीम काम में लगी हुई है। सूचना मिलने पर गन्नौर क्षेत्र की पुलिस और प्रशासन मौके पर स्थिति को संभालने के लिए अपनी टीम के साथ पहुंचे, क्योंकि इस वक्त यमुना में पानी लगभग 1.25 लाख क्यूसेक चल रहा है। क्षेत्र में बरसात भी हो रही है, उधर गैस लीक हो गई। यह बड़ी चुनौती भरा काम था। टीम ने पहुंचकर काफी मेहनत के बाद लीकेज को बंद किया है। तहसीलदार मनोज कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी, वहां पर पटवारी को भेजा गया, पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। अब उस फॉल्ट को डिटेक्ट लिया, लीकेज बंद कर दिया गया, क्योंकि तुरंत प्रभाव से विभाग ने गैस को प्रेशर कम करवाया। अभी यमुना में जल स्तर भी बढ़ा हुआ है।